अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बैक विद अनदर व्लॉग। आज है 5 अप्रैल 2024 और 25वां रमज़ान है। हम सहरी के लिए उठ चुके हैं और अभी हम सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। हम सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. हाँ तो दोस्तों, सहरी वहरी करके हम सो गए थे, उसके बाद हम अभी उठे हैं। अभी कुछ टाइम हुआ है, लगभग कोई 9:45, और हम अभी जा रहे हैं अपनी लैंग्वेज क्लास के लिए, तो आपसे वहाँ पर मिलते हैं। जी तो दोस्तों, आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं अपनी लैंग्वेज क्लास के लिए, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जाते हैं और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि हमारी क्लास कैसी थी। और डेफिनेटली आज मैम तो गुस्सा करें कि क्यों लेट हुए, तो देखते हैं। चलिए, Thousand years later. तो आज हम थोड़ा लेट हो गए थे क्लास में जाने में, तो मैम ने आज नहीं डांटा क्योंकि लास्ट जुम्मा है रमज़ान मुबारक का और स्टूडेंट्स भी कम आए हुए थे ना। अच्छा, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत सीखने को मिला, और हमारी मैम जो हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी टीचर हैं। उनको बिल्कुल इस चीज़ का पता है कि कैसे स्टूडेंट्स को डील करें और उनको कैसे पढ़ाएं। तो अभी हम निकलते हैं घर के लिए, फिर वहाँ आपसे मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 12:10 और जुम्मे की जो जमात है वो 1:00, तो हम लोग अभी जा रहे हैं ताकि आगे जगह मिल जाए और हम सुकून से अपनी नमाज अदा कर सकें। तो आपसे फिर मिलते हैं। A few minutes later. हाँ तो दोस्तों, हमने जुम्मे की नमाज अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम घर जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ जा कर रेस्ट करेंगे और फिर हमने कहीं जाना है, तो हम आपको फिर बताते हैं कि हमने कहाँ जाना है। हाँ तो भाई, जुमा शुमा पढ़ लिया था हमने, उसके बाद जो है हमने आपको बताया था कि हमारा कहीं पर काम होगा, वहाँ जाना है हमने। अभी जो है हम वहीं जा रहे हैं, फिर वो एक चीज़ उठानी है वहाँ से, आपके लिए सरप्राइज है, वो उठा लें, फिर आपसे मिलते हैं। A few inches later. हाँ भाई, अभी हम जो है बदर पहुँच गए हैं, यहाँ पे वो दुकान है, तो उस दुकान से चल के जो है ना एक चीज़ ख़रीदनी है, वो चीज़ ख़रीद के फिर उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आपके साथ। आप भी साथ रहिएगा और ये सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बड़े बेवफा हो यार, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। बाकी फिर वो चीज़ मिलती है तो फिर अनबॉक्सिंग करते हैं उसके साथ। हाँ तो भाई, सीन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो एक चीज़ लेने जा रहे हैं, वो चीज़ थी असल में ये मोबाइल। देख रहे हैं, ये Y17S मैंने मतलब अपने लिए लिया है। असल में जो मेरा पहला मोबाइल था उसका प्रोसेसर का थोड़ा मसला आ रहा था, तो वो जो है मैंने बेच दिया, बस अभी ये वाला लिया। इसके अनबॉक्सिंग करते हैं आप लोगों के साथ। हाँ तो दोस्तों, आज के दिन बहुत अच्छा गुजरा और आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फिर कल मिलते हैं।